Hello students, today's topic of our study is nature of research in management. ठीक है, management में research की क्या प्रकृति होती है, किसी भी शोध की क्या प्रकृति होती है, किस प्रकार से कैसे use किया जाता है management में research का और कितना फायदेमंद वो होता है. ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज सिस्टमैटिक वे. देखिए, रिसर्च पे जब मैनेजमेंट का हमको क्या मतलब क्या समझ में आता है, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू बाय अदर पीपल मोर इफेक्टिवली एंड मोर इफिशियंटली. राइट, मतलब मैनेजमेंट क्या है, दूसरों से उनकी पूरी प्रभावशीलता और उनकी पूरी ताकत और पूरी उनकी इंटेलिजेंसी के साथ कार्य करवाने की एक कला होती है. ठीक है, अब वहां अगर रिसर्च और उसका हम मेल बताते हैं तो उसमें कैसा है, हम मैनेजमेंट जब करते हैं तो पूरे सिस्टमेटिक वे में करते हैं, तो रिसर्च का क्या उसका उपयोग है, रिसर्च हम कैसे करते हैं, पूरे सिस्टमेटिक वे में करते हैं, व्यवस्थित तरीकों से करते हैं. राइट, मतलब हम ऐसा जब हम खोज कर रहे हैं तो प्रॉपर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, और जो हम जैसे हमने कल बात करी थी, हमने इतने दिन हमारे लास्ट वीडियोस में ऑब्जेक्टिव पे बात की, जो डेटा हमारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है उसको हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं. राइट, तो हम हर काम कैसा करते हैं रिसर्च में, सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं. देन साइंटिफिक मेथड का हम यूज करते हैं. साइंटिफिक, आपने हमने जब प्रिंसिपल्स पढ़े थे मैनेजमेंट के लास्ट ईयर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, तो साइंटिफिक मेथड में मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल आपने देखे थे. साइंटिफिक प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, राइट पर्सन एट राइट जॉब एट राइट प्लेस एट राइट टाइम. ठीक है, जब हम प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर वे में कर रहे हैं, तो रिसर्च का मैनेजमेंट में कितना बड़ा रोल होता है कि साइंटिफिक तरीके से जब हम रिसर्च की प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, उनको प्रॉपर कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं उसका. जैसे वेरीफाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. जैसे आपने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, तो आपको जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे तो आपसे आपकी 10th की मार्कशीट मांगी गई थी, देन आधार कार्ड मांगा गया था, जो कि मतलब ये दो चीज़ें तो वेरिफिकेशन में बहुत ज़रूरी होती है. 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है, आधार कार्ड में, मतलब ये सब क्या है, आपकी पहचान पत्र, मतलब आपको वेरीफाई किया जाता है कि यू आर एग्जैक्टली दैट पर्सन और नॉट. आई बात समझ में, तो इस प्रकार से रिसर्च में ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में होती है, साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं, वेरीफाइबिलिटी होती है, दैट टूल फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. रिसर्च क्या है, इट इज अ टूल, ये एक मतलब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. अब सपोज करिए कि जो चीजें पहले से चली आ रही है वो क्या जीवन भर चलती रहेंगी, नहीं, हम हमेशा कुछ नई खोज करते हैं और कुछ नए चीजों का डेवलपमेंट करते हैं. तो ये रिसर्च जो है मैनेजमेंट के लिए इसलिए फायदेमंद है कि कुछ नई खोज करता रहता है और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करता है. देन नेक्स्ट वन इज द डेफिनेटनेस. देखिए, रिसर्च में हम प्रॉपरली डेटा कलेक्ट करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, उनके आंकड़े लेकर के आते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू, प्रॉपर उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, देन रिजल्ट्स को आगे फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें एक डेफिनेटनेस रहती है. मतलब डेफिनेटनेस को हम हिंदी में बोल सकते हैं स्पष्टता. राइट, स्पष्टता रहती है. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिविटी. पे तो हम काफी बात कर चुके हैं कि ऑब्जेक्टिविटी मतलब जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है हमारे रिसर्च को करने का, उस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए रिसर्च की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है और मैनेजमेंट में उसको हम यूज करते हैं. देन नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन प्रिडिक्शंस. हेल्पफुल इन प्रिडिक्शंस का मतलब होता है आगे जो हम करने वाले हैं. राइट, तो जो रिसर्च हमने करी है उसमें हमारे पास बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, बहुत सारी नई चीजें अपडेट्स अवेलेबल है, तो आगे जो हमें प्रिडिक्शंस करना है कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, इट विल बी, जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि अभी 4G का जमाना
चल रहा है। अब थोड़े दिन जाकर के 5G आ चुका है। 5G अब कब लॉन्च होने वाला है, 1-2 साल में लॉन्च होने वाला है पूरी तरीके से। अभी थोड़ी थोड़ा लॉन्च होने की स्थिति में है और अब लॉन्च होने वाला है और उसके क्या फायदे होंगे, अभी 4G हमें क्या दे रहा है, 5G हमें क्या देगा, ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब रिसर्च से आ रहा है। ओके, द नेक्स्ट वन इज बेसिस फॉर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं, हेनरी फ्योर के पढ़े हैं, F.W. टेलर के पढ़े हैं। मतलब रिसर्च कहाँ से, ये प्रिंसिपल्स कहाँ से आ रहे हैं, तो भाई रिसर्च किया जाता है कि प्लानिंग करने से क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है, स्टाफिंग से क्या होता है, ये सब कहाँ से आया, तो पहले उसकी रिसर्च हुई। लोगों ने ये हेनरी फ्योर ने ये प्रिंसिपल्स कैसे लेकर के आए, तो पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने रिसर्च करी, देन वो इन प्रिंसिपल्स का उन्होंने मतलब कि स्टार्टिंग किया और उसको लिखा, राइट। देन नेक्स्ट वन इज एज इन डिसीजन में, एज इन डिसीजन मेकिंग। मतलब सबसे बड़ी चीज ये है कि ये निर्णय लेने में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि सारी चीजें हमारे आंखों के सामने होती है आफ्टर रिसर्च। ओके, एंड आखिरी है रिलाइज ऑन एम्पिरिकल एविडेंस। मतलब कि आपका ये एक प्रकार का प्रूफ का काम करता है, एक अनुभविक प्रूफ का काम करता है कि भाई हमारे पास ये चीज है और इसके आधार पे हम आगे की चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज ये टॉपिक देखा, नेचर ऑफ रिसर्च इन मैनेजमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।